तो बारिश हो रही है, आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन उसके सामने खड़ी हुई है हिंद की वो सेना जो हर एक परिस्थिति में हिंदुस्तान की रक्षा करना जानती है, हिंदुस्तान की सेवा करना जानती है और आज अपनी उसी धुन पर पूरे देश को अपनी तरफ खींचती हुई देश की सेना नजर आ रही है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ये मनमोहक नज़ारा आपके सामने है। आर के भार्गव जी, जब हम सेना को देख रहे हैं, हम बैंड की धुन को देख रहे हैं, तो जो फॉर्मेशन है, जो अलग अलग सेनाओं के द्वारा अलग अलग धुन पर अलग अलग बैंड पर बनाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है या उसके लिए क्या निर्धारित किया जाता है, कैसा फॉर्मेशन होगा, इस बार क्या बनाया जाएगा? देखिए, जो फॉर्मेशन ये लोग लेते हैं उसके पीछे तो अलग अलग कारण होते हैं, वो पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि ये कैसे होता है, वो अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को हर कदम के ऊपर उसकी अगला कदम किस दिशा में उठना है। अपनी बात कंप्लीट करिएगा, जरा ये धुन एक बार दर्शक जरूर सुनिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आज तीनों सेनाएं अपने बैरक में वापस लौटती हैं और उससे पहले यह संगीतमय माहौल इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लोग विजय चौक पर नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग इंडिया टीवी पर जरूर महसूस कर सकते हैं इन पलों को, इन खूबसूरत तस्वीरों को। भार्गव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, बता रहे थे कि कितनी मेहनत लगती है इस पूरे प्रैक्टिस को करने में। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले डिसिप्लिन के ऊपर भी बात हुई थी, तो डिसिप्लिन और मेहनत ये दोनों चीज़ें मिल करके ही उनका इतना अच्छा शो बनता है। जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनको अगला कदम किस दिशा में लेना है, कितना बड़ा लेना है, किस जगह मुड़ना है, इस सब को कोऑर्डिनेट करना होता है जितने भी बाकी वहाँ पर बैंड के जो बजाने वाले हैं उनके साथ में। एक भी आदमी की गलती से सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए कोशिश ये होती है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जाए ताकि किसी भी जगह पर किसी भी आदमी से कोई गलती ना हो। और उसके लिए खून तो नहीं लेकिन पसीना यहाँ भी बहुत बहाना पड़ता है, तभी जा करके ये परफेक्शन आता है जो हम इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
और इसका इतिहास भी प्रदीप जी बहुत पुराना है। अगर इस धुन के बारे में देखा जाए या इस परंपरा को देखा जाए, इसे समझा जाए, तो इसका इतिहास पुराना है, क्योंकि जब जब सेनाएं अपने बैरक में वापस लौटती हैं तो ऐसा ही संगीतमय माहौल होता है। जी बिल्कुल, अक्सर ये कहा जाता है कि 250 साल, कुछ लोग कहते हैं 300 साल, 400 साल, ये इतना पुराना इतिहास है और ब्रिटेन से ये शुरू हुआ था। लेकिन हमारे दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि महाभारत काल में भी यही परंपरा थी। जब सूर्यास्त होता था तो उसके बाद युद्ध नहीं होता था, बल्कि जो दुश्मन होते थे उनके शिविरों में भी जाते थे और उनका भी हालचाल पूछते थे या कुछ और बातें भी होती थी। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और अभी भी जारी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अभी आपने कुछ देर पहले संगीत का जब जिक्र किया था तो मैं बताना चाहूँगा इंडिया टीवी के अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी म्यूजिक स्कूल से, जो संगीत का स्कूल है, वहाँ से ये सब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद न जाने कितने दिनों की इनकी मेहनत होती है और उसके बाद यहाँ विजय पथ पर, ये अपने विजय चौक पर आकर ये परफॉर्म करते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त जो वायुसेना बैंड अपना ये परफॉर्म कर रहा है, कितनी शानदार इनकी परफॉर्मेंस है और इनको लीड कर रहे हैं वो बताना मेरा फ़र्ज़ ज़रूर बनता है, वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। तो कुल मिलाकर वायुसेना के दस्ते की जो पूरी एक जिम्मेदारी है, उनकी मेहनत है, वो उन्हीं के कंधों पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।